शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, सर्दी की दस्तक, जबकि आज शहर में मतला जज़्वी तौर पर अबद आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। शहर में अमनो अमान के पेश नज़र इंतजामिया की तरफ से हाई अलर्ट जारी। जिला इंतजामिया के मरासले के मुताबिक 12 महकमों को ड्यूटियां तफवीज कर दी गई। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई और DIG ऑपरेशन लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पर फौरी एक्शन लेंगे। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र IG पंजाब ने भी एहलकारों के लिए मुरासला जारी कर दिया। एहलकार मुजाहिरीन से 50 मीटर की दूरी पर खड़े होकर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सूबे भर के पुलिस अफसरान को मुरासले की कॉपियां जारी कर दी गई। हुकूमत और धरना कायदीन के दरमियान मुजाकरात में तातुल, तहरीके लब्बैक के कायदीन मुजाहिरीन के पास वापस आ गए। हुकूमती वफ्द मुजाकरात को दोबारा शुरू करने के लिए पुरअज़्म। शहर में आज मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। मोबाइल फोन सर्विस सुबह 8 बजे से मगरिब तक मुअत्तल रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का ट्वीट। अमनो अमान का खदशा, शहर के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां आज बंद रहेंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी बोर्ड टेप्टा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत होने वाले इम्तहान भी मुलतवी कर दिए गए। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने भी छुट्टियों में तौसी कर दी। तमाम निजी स्कूल 2 और 3 नवंबर को बंद रहेंगे। बीकन हाउस, लकास, एजुकेटर्स, अमेरिकन लाइस्टर, प्रीमियर अमेरिकन स्कूल बंद रहेंगे। लाहौर ग्रामर, लाइसियम, सिटी स्कूल, दी पंजाब स्कूल भी नहीं खुलेंगे। दाखली और खारजी रास्तों समेत शहर के 19 मकामात ट्रैफिक के लिए बंद। शाहदरा, दाता दरबार, बाटा चौक, चूंगी अमर सधू, ठोकर, मुल्तान रोड पर रास्ते बंद। अब्दुल्ला इंटरचेंज, काहना काछा, रिंग रोड, करोल घाटी, महफूज टाउन, हमदर्द चौक भी सील। रूही नाला, चूंगी दोगेट, शाहकाम चौक, मोटरवे, इस्लामाबाद, बाबरा टाउन, अड्डा प्लॉट भी ट्रैफिक के लिए बंद। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन टूट गई। शहर में पेट्रोल का जुजी बहरान, अक्सर पेट्रोल पंप बंद। डिफेंस, वार्डन, चुंगी, एचरा, शादबाग टाउनशिप के पेट्रोल पंप मुतासर। गुलबर्ग, रंगमहल, मुकलपुरा, गुलशन रावी में भी किल्लत। खुले पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश, तवील कतारें लग गईं। सप्लाई बहाल ना हुई तो बहरान संगीन हो सकता है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। सड़कें ब्लॉक, गाड़ियों का पहिया जैम। शहर की सब्जी और फल मंडियां भी मौजूदा सूरत हाल के जेरे असर आ गईं। सब्जियों और फलों की तरसील ना हो सकी। ताजरों को 2 रोज में 60 करोड़ रुपए का नुकसान। अशिया खुरनोश की ब्लैक में फरोख्त शुरू। गोभी की कीमत में एक ही रोज 40 रुपए फी किलो का इजाफा। ब्रॉयलर भी 11 रुपए फी किलो महंगा। रियासत शहरियों के जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी करेगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। शहरियों के रोजमर्रा के मामूलात में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। IG पंजाब की तमाम पुलिस मुलाजमीन को मुजाहिरीन के करीब ना जाने की हिदायत। अमन अमान की बहाली के लिए शहरियों से तआवुन की अपील। FBR को माली खसारे का बड़ा झटका। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर टैक्स कलेक्शन की मत में 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। एयरफ्रेट यूनिट में ड्यूटी टैक्स कलेक्शन सिफर पर चली गई। आवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 6 रुपए 37 पैसे महंगा हो गया। पीपुल्स पार्टी ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। शहरियों का पेट्रोल की इजाफी कीमत वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल के बल में ज्यादती है, जो कीमत पड़ी है ये आवाम के साथ ज्यादती है। ये हुकूमत सोई हुई है,
कल से क्या पेट्रोल के हालात है कि पेट्रोल पंप बंद हुए हुए हैं, हर चीज़ महंगी करी जाते अपने कि मुंडे तक ही चल रहा है, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। वही हुकूमत आएगी ना, कहते तब्दीली आएगी, तब्दीली की तब्दीली हमारे यहाँ आया नहीं है, हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वो भी नहीं कमा नहीं दे रहे। जून ट्रेनिंग सेंटर पासिंग आउट परेड ताखीर का शिकार, डॉल्फिन फोर्स के सातवें बैच की ट्रेनिंग को मुकम्मल हुए 5 माह का अरसा गुजर गया। 5 माह बाद भी तरबियत मुकम्मल करने वाले अहलकारों की पासिंग आउट परेड ना हो सकी, डॉल्फिन अहलकार जहनी परेशानी का शिकार। स्पीकर पंजाब असेंबली से सुप्रीम कोर्ट बार के नामुंतखब सदर की मुलाकात, चौधरी परवेज इलाही ने इमानुल्लाह कनरानी को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि बार ने हमेशा कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए काम किया, जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने भी फोन पर अमानुल्लाह को मुबारकबाद पेश की। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज ने खुली कचहरियां लगाने का ऐलान कर दिया, जुम्मे से बाकायदा अवामी मसाइल सुनने का आगाज किया जाएगा। एमडी वासा सैयद जाहिर अजीज का कहना था कि खुली कचहरियों में शहरी अपनी तजावीज से भी आगाह कर सकते हैं। वायदे हिजब इख्तलाफ पंजाब, हमजा शहबाज शरीफ की 3 मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से हाईकोर्ट में समाअत, लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को अपोजिशन लीडर पंजाब को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने हमजा शहबाज की 3 मुकदमात में कल 7 लाख रुपए के मचलकों के एवज 13 नवंबर तक कबलज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। स्मोक का खर्शा, एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया। एयरपोर्ट पर मौजूद अस्पताल में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म, जहाजों को टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। लेस्को ने ग्रिड स्टेशंस और ट्रांसमिशन लाइन्स की देखभाल का स्केड्यूल जारी कर दिया। कौमी हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट की 2 रोज़ा मशावरती वर्कशॉप का आगाज, पाकिस्तान में जचकी नौजायदा बच्चों के मसाइल से शुरका को आगाह किया गया। डॉक्टर यास्मिन राशिद कहती हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है, बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है। रावण में सालाना तबलीगी इज्तमा, फर्जंदान इस्लाम काफिरों की सूरत में आमद, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजाम, 848 वार्डन्स तैनात, सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम, स्पेशल मॉनिटरिंग रूम और कैंप ऑफिस कायम। शहरियों के लिए बड़ी खबर, साइड मिरर और बगैर हेलमेट सेकेंड सीटें मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ कार्रवाई में 1 माह की तौसी, 1 दिसंबर से साइड मिरर्स और बगैर हेलमेट सेकेंड सीटर के खिलाफ कार्रवाई होगी। 1 माह में तौसी का मकसद शहरियों को भरपूर आगाही देना है। सीटीओ और अजहर अली का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान, साबिक कप्तान कहते हैं मेरी असल पहचान टेस्ट क्रिकेट है, मजीद रिकॉर्ड बनाऊंगा, वनडे से रिटायरमेंट के लिए बहुत अरसे से गौर रख कर रहा था। सरफराज अहमद पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए।